बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप लोग के लिए मैं यहां पे 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं आखिरी 5 दिनों के लिए। जी हां फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में अब मात्र 4 दिनों का समय शेष रह गया है और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ साइंस का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीसा, जिसको लेड बोलते हैं, संचारक बैटरी में आवेशिक होने पर क्या होता है? लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक आंसर को सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर भी कर दिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ठीक है, क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पाएंगे कि सीसा पेंसिल, ठीक है, में क्या होता है? आपको बताता है कि सीसा पेंसिल में क्या होता है। सीसा फेरस सल्फाइड, सीसा सल्फाइड, या ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट होता है। सीसा पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको मास्टर PDF 500 क्वेश्चन का दे दिया है आपके ग्रुप में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आप यहाँ पे देखेंगे कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, या वर्षा। तो आपको बताना है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर जो है साबुन तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, सीसा का, कार्बन का, अवरक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेफाइट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि सक्रिय अपंग उपचार को क्या कहते हैं? रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, या पूर्व उपचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैविक उपचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? 0, 31-66, 40, या 80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। सीसा पेंसिलों में सीसा का जो प्रतिशत होता है वह 0 होता है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, या कैल्शियम साइट्रेट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, अधिक नाइट्रोजन वाला सबसे उर्वरक पदार्थ जो है यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46% होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है आपको बताना है। सोडियम उर्वरक है, फॉस्फेटी उर्वरक है, नाइट्रोजनी उर्वरक है, या पोटेशियम उर्वरक है। तो देखिए, यूरिया जो होता है वह नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदर्शित कर देती है? कैल्शियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? चूने का सुपरफॉस्फेट, या यूरिया, भारतीय नमक सोडा, या मिर्ची नमक सोडा। किसमें आपको नाइट्रोजन तत्व नहीं होता आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि यूरिया में तो होता ही है 46% नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूने का सुपरफॉस्फेट, इसमें जो है नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था खाने के सोडा को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और धोने के सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका रासायनिक नाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे 173 नंबर, कि समान उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे कौन है? ठीक है, आपको बताना है कि जो समान उर्वरक होते हैं उसमें तीन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे तत्व कौन कौन से हैं? सल्फर, फॉस्फोरस और सोडियम, या नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस,
या फास्फोरस सोडियम व नाइट्रोजन या कैल्शियम फास्फोरस व पोटेशियम। तो देखिए, जो समान उर्वरक होते हैं उसमें मात्र तीन जो तत्व होते हैं उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वह कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? एंथ्रेसिन, नेप्थिलीन, फ्यूरॉन या बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, कि फ्यूरॉन। ठीक है, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? फ्यूरॉन हो गया। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। उर्वरकों के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम का। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह एक तत्व है कौन सा जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर करना है तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया, नाइट्रिकम, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो युक्त उर्वरक है उसके उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन उर्वरक क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या नाइट्रोलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? किसकी इकाई है क्यूरी? आपको बताना है रेडियोधर्मिता की या ताप का या ऊष्मा का या ऊर्जा का, किसका इकाई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि रेडियो धर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है? नाभिकीय न्यूक्लियस का, आयन का या अणु का या परमाणु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी कि नाभिकीय या न्यूक्लियस का जो है विखंडन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विभंधक के रूप में प्रयोग करते हैं? साधारण जल को, रेडियम को, थोरियम को या ग्रेफाइट को। आपके सामने चार ऑप्शन है, उम्मीद करते हैं आपने चार ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और इसका राइट आंसर भी कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण, अल्फा उत्सर्जन या बीटा उत्सर्जन में। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गामा उत्सर्जन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है किस रूप में निकलती है? प्रकाश में, ऊष्मा में, रासायनिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा में निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जर्कोनियम। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिव तत्व है उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी सा। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। बात करें जर्कोनियम की तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विघटन नाभिकता का कारण क्या है? अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी न्यूक्लियस या अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्थायी न्यूक्लियस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वी महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के निर्माण के निर्धारण के लिए किया जाता है? फॉस्फोरस 31, टाइट्रियम या रेडियम या कार्बन 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त जो संवर्धित यूरेनियम कौन सा होता है? एल्युमिनियम से मिश्रित यूरेनियम, एक स्वादिष्ट समनाशनिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम या सभी अपद्रव से मुक्त यूरेनियम या विक्रम से अभिक्रियत यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक विशिष्ट समनाशनिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। अगला है कि क्यूरी जो होता है बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? द्रव एक्टिव, रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु को चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है या धातु में त्वांतरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धातु को चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, कोल्ट ने, सीवी रमन ने, डॉक्टर गाइटिन ने। तो आपको बताना है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोजर बेकन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला जो है अभिक्रिया के रूप में यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। आपको बताना है कि चॉकलेट खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, उसमें किस चीज़ की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है, जिंक की, निकिल की, शीशा की या कोबाल्ट की। देखिए चॉकलेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है उसमें शीशा होता है, ठीक है, इसलिए आपके लिए वह हानिकारक हो सकती है, इसलिए कम चॉकलेट खाना चाहिए। अगला कि मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम। तो मोनोजाइट बालू में जो पाया जाता है वो कौन सा यूरेनियम हो जाएगा, वह हो जाएगा खनिज की बात करें तो थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आप कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि टाइट्रियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का। तो टाइट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, किसका है, हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर या नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर या अनियंत्रित जो है संलयन अभिक्रिया पर। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है किस पर कार्य करता है, वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करती है, ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, U-235, U-238, U-234 या U-236 यूरेनियम की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि U-235, ठीक है, यूरेनियम 235 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, यानी कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है, एडवर्ड टेलर, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, नागासाकी पे, हिरोशिमा पे या टोक्यो पे या हांगकांग पे। आपको पता है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में यह गिराया गया था, ठीक है, कहाँ पे, जापान के हिरोशिमा पे या पहली बार जो है गिराया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता रहता है, नाभिकीय संलयन से, विखंडन नाभिकता से या नाभिकीय विखंडन से या कृत्रिम विघटन नाभिकता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय संलयन से। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।